भारत के प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश आए थे और लगातार दुहाई उन्होंने डबल इंजन की दी कि दिल्ली में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह डबल इंजन जो है अब ट्रबल इंजन में बदल गया है। अब इस इंजन की मरम्मत पॉसिबल ही नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री जी आ जाएं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति आ जाएं, ये इंजन अब रिपेयर नहीं हो सकता। ये अगले अक्टूबर में इंजन बदला जाएगा, नई गाड़ी आएगी। और प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने संबोधन में ये जो 4-0 से अभी हार के हटे हैं, इनको बहुत ही काबिल नेतृत्व करार दिया। प्रधानमंत्री जी मन ही मन में जानते हैं कि ये बहुत बड़ा फ्लॉप नेतृत्व है। बातें हुई कि कांग्रेस के समय में अविलंब हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो 69 नेशनल हाईवे बने थे 65,000 करोड़ रुपए की लागत से, उनका अविलंब हुआ। 4 साल में वो शुरू नहीं हो सके। अविलंब हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे हवाई पट्टियां बननी थी उनमें उनको शुरू नहीं कर सके, इसमें अविलंब हुआ। जो यहाँ पे रेल लाइनें बननी थी वो शुरू नहीं हो सकी, उनमें अविलंब हुआ। जो 4 लेन बनने थे यहाँ पे वो शुरू नहीं हो सके, उनमें अविलंब हुआ। और जो है, जो किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना था उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, उनमें अविलंब हुआ। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कोई काम नहीं किया और अंततः जो है इनकी जो है क्रैश लैंडिंग यहाँ पे हुई है। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम जो है मिशन रिपीट की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनको जानकारी होनी चाहिए जयराम जी को कि अब आप मिशन डिफीट की तरफ जा रहे हैं। आप जितनी मर्जी गाथाएं गा लें, सरकारी खर्चे पे रैलियां कर लें, सरकारी कोष को जिस ढंग से इस रैली के लिए लुटाया गया, जिस ढंग से करोड़ों रुपए खर्चे गए और वहां पे पंडाल लगाने के लिए, वहां पे 1600 एचआरटीसी की बसें लगाने के लिए सरकारी कार्यक्रम था, एचआरटीसी की बसों पे भाजपा के झंडे लगा दिए, सरकारी कार्यक्रम था और वहां पे जो है विपक्ष को बुलाया नहीं गया, सरकारी कार्यक्रम था और वहां पे जो है भाजपा के झंडे लगा दिए गए, अरबों रुपया करोड़ों रुपया आपने जो है सरकारी कोष से खर्च दिया और आप जो है उसको पार्टी का कार्यक्रम बना रहे हैं, और इसलिए अब जो है इन तिलों में कोई तेल नहीं बचा है। आप चाहे कहें कि हमने नलके लगा दिए, नलके हिमाचल प्रदेश में आज से जो है 4 दशक पहले लोगों के घरों में पहुंच गए। हिमाचल वो प्रदेश है जिसमें बिजली जो है सबसे पहले पहुंच गई थी। इसलिए ये बातें यहाँ पे दुहाई देना, और ये कहा गया कि 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आज उनका शिलान्यास किया या उद्घाटन किया, उनमें से एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास तो वीरभद्र सिंह जी ने किया था, जिसको आज आपने जनता को समर्पित किया है, और बाकी जो है SJVNL के प्रोजेक्ट जो है सरकारी प्रोजेक्ट है। सरकारी प्रोजेक्टों को आप निवेश दिखा के जो है बात कर रहे हैं, और इसलिए इन प्रोजेक्ट्स के अलावा जो ग्राउंड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग जब धर्मशाला में की थी और प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उसके बाद अमित शाह जी भी आए थे, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद जो आप ग्राउंड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, भाजपा का ग्राउंड तो ब्रेक हो चुका है इलेक्शन में, और फाइनली जो है ये पूरी तरह फटने वाला है ये ग्राउंड। तो इसलिए इस पे इतराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कह रहे थे कि जी हमने कालका से मनाली सड़क बना दी, प्रधानमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं। ये पैसा किसने दिया है, ये पैसा किस सरकार के समय में सैंक्शन हुआ है? IIT की बात कर रहे हैं, ये किसने सैंक्शन किया था? मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, ये 3 मेडिकल कॉलेज तो जो है इसमें से मनमोहन सिंह जी की सरकार में सैंक्शन हुए हैं। और यहाँ पे बात कर रहे थे एम्स की, प्रधानमंत्री जी आप आए और उसका उद्घाटन करें। एम्स का उद्घाटन अभी आपने जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से और नड्डा जी से करवाया, एक ही चेक आप कितनी दफा बुनाओगे? तो इस तरह काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है, आपकी अब बारी आने वाली है, आप उसकी तैयारी करो। सरकारी खर्चे पे आपने भीड़ जुटा ली, लोगों को आप ले गए, सारे मनरेगा के वर्कर आप ले गए, जबरन आप जो है आशा वर्कर ले गए, आंगनबाड़ी वालों को ले गए, पंचायत के फैक्ट्रियों को ले गए, और उसके बाद पटवारियों को ले गए, BDO तहसीलदारों को ले गए,
और इसलिए, लेकिन आपने जो हिमाचल में करना था, हिमाचल में आपने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, पुलिस कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, कोरोना मुल्क वालों के लिए कुछ नहीं किया। इसको कहते हैं विलंब, जो कहते हैं कि विलंब की सरकार है जयराम की सरकार। इसलिए प्रधानमंत्री जी को तो के दौरे के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ, गीता सार है, गीता में लिखा है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, फिर तेरा क्या है। तो इसलिए कुछ नहीं हिमाचल को हासिल हुआ इस दौरे में भी, इस दौरे ने भी प्रधानमंत्री जी के ने निराश ही किया है हिमाचल की जनता को और हिमाचल को।